चल रहा है, अभी की क्या स्थिति है? अभी हम लोग जो है 95% मतलब जो है पूरा आग को बुझा चुके हैं। और सर क्या स्थिति है अभी, कब तक पूरी तरह काबू पा लिया जाएगा? नहीं, काबू तो पहले ही कल ही हो गया था, काबू तो पा लिया था पहले ही कल ही का। आज तो केवल जो है मलबे से मतलब हटा हटा के थोड़ा सा मतलब और पानी डलवा रहे हैं, जिसमें मतलब जो है आग कहीं रहे नहीं। सर कुछ और कैजुअल्टीज हुई? नहीं, अभी लाशें मिली? अभी तक तो नहीं हुआ। सर अभी मलबा हटाने का काम चल रहा है तो ऐसा कुछ लग रहा? नहीं, मलबा हमने रात में हटवा लिया है तो उसमें नहीं, ऐसा हमको तो नहीं लगा अभी। जी पहले आपका नाम बता दीजिए। रवि चंदेले। रवि जी यहीं रहते थे आप इसी कॉलोनी में? जी जी यहीं रहते थे। कल कैसे हादसा हुआ, क्या हुआ? कल सर मैं तो काम पे गया था, बाकी घर वाले सभी यहीं पे ही थे और अचानक विस्फोट हुआ तो मैं यही मान करके पीछे काम कर रहा था तो हादसा सुन के मैं आया। मुझे ऐसा लगा कि आपके घर से किसी की डेथ हुई क्या? हाँ, तो हमारा बड़े भैया और भाभी की डेथ हुई। चार बच्चे हैं भैया। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम राम कुमार। क्या हुआ था भैया? उधर फटाका फूटे और मैं वहाँ थी, वहाँ से मैंने कि मेरे बच्चे आग लग गई, भाई भाई फिर क्या होगा कि आग लग गई प्लेटफॉर्म पर, तो मैं बच्चे थे, हमको पुलिस वाले ने आन दिए, मेरा बड़ा छोरा और बड़ी बहू और चार बच्चे, एक छोरा तीन जोरी है। मैं स्कूल गए थे तो आ गए, छोटी छोरी है तीन, दो बड़ी है, एक छोरा, तीन लड़की है मेरे छोरा की। तो दोनों आपके बेटा बहू? बेटा बहू दोनों मेरे, ये दो मेरे ये छोटे हैं दोनों, बड़ा बहू बेटा दो ही शांत हो गए, चार बच्चे एक छोरा तीन छोरी है। इनको गाँव जो फोन आता नहीं हमको, कुछ बुढ़े आदमी ये काम पे गए तो हम उधर बाहर रोड पे, ये भी आते भैया दूर रहता था वहाँ। अब भैया मेरे चार